हाय दोस्तों, हमारे VK B2 चैनल को सपोर्ट करें। मत कर घमंड अपने आप पर, इंसान खुदा ने तेरे जैसे कितने बनाकर मिट्टी में मिला दिया। किसी की बुराई तलाश करने वाले इंसान की मिसाल उस मक्खी की तरह है जो सारे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल जख्म पर ही बैठती है। तनाव से केवल समस्या जन्म ले सकती है। समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। अपनी कमियों पर भी थोड़ी नजर रखो। हर बार दूसरों की गलती देखना ठीक नहीं। अपने मन को भी थोड़ा साफ रखो। हर बार दूसरों के बारे में गलत सोचना ठीक नहीं, क्योंकि ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी भी घमंड नहीं करते, क्योंकि वो भी जानता है कि आसमान में बैठने की जगह नहीं होती। भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीव को काट लेते हैं। कोई भी रिश्ता आपकी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहां किससे मिलना है ये सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। दूसरों के लिए दिल से दुआ करो, तुम्हें अपने लिए मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपनी ही वजन से डूब जाता है। गुस्सा और आंधी दोनों एक समान है। शांत होने के बाद ही पता चलता है कितना नुकसान हुआ। तलवार के जख्म मिट जाते हैं, लेकिन बातों के जख्म हमेशा याद रहते हैं। जो है जितना है उसी में खुश रहना चाहिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी इंसान अंधा बना देती है। कलयुग की दुनिया है साहब, कदर उसकी नहीं होती जो सच में रिश्ते निभाता है। कदर उसकी होती है जो सबसे ज्यादा दिखावा करता है। भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती, और यदि सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती। कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, लेकिन किसी का बुरा न करे ये हमारा धर्म है। जब नोटों का रंग बदला तो कई लोग की जान निकल गई। जरा सोचो, जब औलाद रंग बदलती है तो माँ बाप क्या बीतता होगा। कभी गिर जाओ तो खुद ही उठ जाना दोस्त, क्योंकि लोग सिर्फ गिरे हुए पैसे उठाते हैं, इंसान नहीं। कमजोर कोई नहीं होता, मजबूरियां कमजोर बना देती है, और घटिया लोग इसका फायदा उठाकर खुद को शेर समझते हैं। जीवन में एक बात का ख्याल रखना, बेशक सच बोलकर किसी का दिल तोड़ देना, पर झूठ बोलकर किसी का विश्वास मत तोड़ना। कोई आपको ना समझे तो टेंशन मत लेना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छे किताबें हर किसी को समझ नहीं आती। किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है, दुनिया बनाने वाला नहीं।